भाई घोड़े का बच्चा। अरे दे रहे हैं अभी आज का ब्लॉग शुरू हो उससे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यह है हमारी हीरा बुआ और इनकी वजह से जो है आज मैं गरुड़ में रुका हूँ, क्योंकि ना ये कल मुझे डंगोली से ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ ला गए। हाय। और ये है हमारी शोभा दी। हाय दी। और अभी जो है निकलते हैं यहाँ से। बाय। पहले और सीजू को मैंने कल रात यहीं पे खेत में खड़ा कर दिया था, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी पार्किंग थी और बहुत लोगों ने अपनी अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे खड़ी कर रखी थी, तो मैंने भी जो है कर दिया। आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले सबसे पहले स्वागत है आप सभी लोगों का उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के गरुड़ से। और अभी गरुड़ की गलियों से निकलता हूँ बिल्कुल मस्त करके। कल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि मैं यहाँ पे बिल्कुल मस्त करके प्रीति दी की शादी में आया था, और अभी ना यहाँ पे मैं निकल चुका हूँ अपने बागेश्वर के लिए, क्योंकि मुझे ना बागेश्वर होते हुए जाना है सीधे अभी जगताना, क्योंकि जगताना से जा रही है हमारे गांव की शादी। हमारे गांव की नहीं, तिमलानी की है। तिमलानी मतलब आते वैसे कत्तूर घाटी में ही है, तो वहां की जो है शादी जा रही है। वहां से हमारे भाई लोग आ रहे हैं बिल्कुल मस्त होकर बाली घाट में, क्योंकि ना शादी जा रही है जगताना एक तरह से तल्लादानपुर, जहाँ की हम पिछली बार गए थे शादी में, जहाँ की बर्फबारी हुई थी। और आई थिंक ना ताऊ की गाड़ी भी नहीं आ रही इधर, क्योंकि ताऊ की गाड़ी गई होगी बारात में। अरे ताऊ देखो यहाँ पे। तो फाइनली जो है अभी पहुँच चुका हूँ बाली घाट में, और यहाँ पे ना जो सीधे जा रही है रोड ये आती है सीधे कपकोट को, और यहाँ पर से देखो कुछ इस तरह से ऊपर को जो अपनी यहाँ की रोड कट जाती है, देख पा रहे होंगे ये जो है कार भी आ रही है उधर को एक। अभी ना हमने सीधे इसी लाइन में जाना है बारात, मतलब इसी लाइन में जा रही है सीधे आगे को, यहाँ से जाएगी सीधे जगताना। हालांकि आगे से दो रोड कट जाते हैं, एक जाती है कपकोट को एक जाती है जगताना साइड को, तो कुछ इस तरह से दो रोड कट जाते हैं। अरे दादी को 15 पाल तक जाना है यार, तो वो छोना तक ले आ दो यार, बैठो बैठो वो छोन में बैठ जाए, वो छोन तक नहीं जाए, मैं छोन या उतनी गौरी उड्यार को वो कटती है ना ऊपर को, वहाँ पे छोड़ देना, वहाँ पे मुनी होगी 15 पाल नहीं जला रहा हमारा। मैं तो भाई ये देखो मैं जो है यहाँ पे ना 9:30 बजे पहुँच गया था, और अब जाके जो है यहाँ पे बारात आ के लगभग ना भाई 1.5 घंटा वेट करा दिया, पूरा 1.5 घंटा वेट करा दिया तुम लोगों ने। 1.5 घंटे से बैठा हूँ पता है यहाँ बोर हो रखा हूँ बिल्कुल खतरनाक करके। और अब देखो हाय अब जो है बिल्कुल मस्त करके यहाँ पे बारात आ चुकी है। तो भाई मैं अप्पू को तो रुका था बट अप्पू अभी मिला नहीं, आई थिंक वो दिनेश का की गाड़ी में चले गया है। तो अभी एक काम करते हैं, मेरे साथ में यहाँ पे बॉबी बैठ गया है, और बॉबी और मैं चलेंगे बिल्कुल मस्त करके यहाँ से। हालाँकि मेरे को रोड तो मालूम नहीं है बट आगे से गाड़ी जाएंगी कोई तो उनके साथ में जाएंगे। तो भाई साहब यहाँ पे देखो अभी हम पहुँच चुके हैं अनारस के पास, ये गांव आई थिंक अनारस ही है। यहाँ पर से देखो दो रोड कट जाते हैं हमारे, एक रोड देखो ऊपर वाली जो कि जाती है सीधे कपकोट को, और जो नीचे वाली रोड है ना ये जाती है अपनी कन्याली कोट श्यालडोंग सुमट्टी बैसानी, जहाँ की हम पिछली बार शादी में भी गए थे, और ये ऊपर वाली कपकोट को चली गई है। ये लो यार भयंकर, तुम ही निकलो भयंकर, क्या क्या करवा रहे हैं यार भयंकर, रोड सीधी और कहाँ डलवा दिया उन्होंने, तो वहीं पे घुमा दी। स्प्लेंडर है भाई, स्प्लेंडर होने का फायदा तो है यार भाई, भयंकर ये हालत कितनी भारी तो नहीं है लेकिन मेरी तो भारी है यार। राहुल जी कस्तो बनी हो जापो जी को जान दो भाई। हालांकि बारात हमारे पीछे है, अगर हम बारात को आगे से जाने देंगे तो भाई धूल ही धूल कर देगी, जिसमें कि हमारा जाना थोड़ा कठिन हो जाएगा और हम धूल में अनबनी जाएंगे, तो चीज़ सही नहीं है। इससे अच्छा आगे घुसना ही बेहतर है जो कि हम कर रहे हैं, और गड्ढे भाई गड्ढे में तो पीछे ले जा रही है उसको गड्ढे से बचा के। तो फाइनली जो है अभी हम पहुँच चुके हैं कन्याली कोट में, और यहाँ पर देखो ये है हमारे वहाँ का शॉर्ट रास्ता, जहाँ पर कि आप लोगों ने अगर पिछली बार का शादी का ब्लॉग देखा होगा ना तो इसी रास्ते जो हम नीचे आए थे और यहाँ पे हम कन्याली कोट में मिले थे। तो ये देखो ये रोड हमारे बागेश्वर से, और ये है सीधे पैदल रास्ता सीधे जो अभी जहाँ बलि बहू की पूजा की थी वहाँ से होके सीधे ढनेरा होते हुए हमारे गाँव में जाती है। तो जैसे थोड़ा सा आगे आया ना तो यहाँ पे घनश्याम नगरी में पहुँच गए, और यहाँ पे देखो हमें अंजू मिली है जिसको की गाड़ी नहीं मिल रही है, अभी आ रही गाड़ी पीछे से आ रही है, दिनेश का की गाड़ी आ रही है। तो भाई ये देखो हम फाइनली पहुंच चुके हैं अभी जगताना में, लेकिन ना बोल रहे हैं कि यहीं पे तक रोड है, देखो रोड खत्म है यहाँ पे, अब यहाँ पर से जो है पैदल जाना है हमें। घनश्याम नगरी से लोग पहुंच गए इधर,
जगता है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे? ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, क्या बोलना, शब्द ही नहीं मेरे पास। बबरू 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 पहचान लिया क्या मेरे को? पहचान लिया। अच्छा भाई, घोड़े का बच्चा पहली बार देख रहा हूँ यार इसको, पहली बार जो है मैं घोड़े का बच्चा देख रहा हूँ। घोड़े के भी बच्चे होते हैं, मुझे आज पता चला यार। घोड़े के भी बच्चे होते हैं? घोड़े के तो खेचर भी तो घोड़े से ही होते हैं। अच्छा खेचर, तो खेचर और घोड़े में क्या फर्क है? खेचर खेचर ही हुआ, घोड़े घोड़ा ही। खेचर फीमेल हुई ना, लड़की हुई खेचर, लड़की हुई, फिर उसका रंग अलग, उसका आपरण दूसरा ना। अच्छा कितना महीने का बच्चा है ये? 10-12 दिन। 10-12 दिन का बच्चा है? ओ भाई इतना बड़ा घोड़े का बच्चा 10-12 दिन का है, इसी का बच्चा है? थोड़ी सी गलती और गधेरे जाने में कोई देर नहीं। तो देखो नहर है, नहर के ऊपर चल के भी जा रहे हैं कुछ इस तरह से बराती को, बगल में गधेरा भाई। और देखो निंगाल, जिससे कि डलिया और सूपा वगैरह बनते हैं। देखो और ये है गाजो के लूटे, गाजो जो कि घास होता है, उसे जो है बरसात के टाइम पे उगता है तो उसको काट के सुखा के स्टोर कर ले जाता है, जो कि अब काम आएगा ये, और इसके लगा रखे यहाँ पे लूटे। आमा तुम कल आराम मिल जाना चाहिए, बट घर जाना। हाँ वे 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 बंदूक काटने दे रे बाबा, पापा हो स्टेट बैंक वाली लाइन लगी इधर। पहले खाना खाओ फिर बताऊंगा, हम भी खा ले पहले छाई। ओ माय गॉड,
A few minutes later. तो भाई कुछ इस तरह से बिल्कुल मस्त वाली पहाड़ी स्टाइल में जो है यहाँ पे जयमाला चल रही है, और अभी हम जो है निकल चुके हैं वहाँ से। और भाई अपने गांव के साथी तो है नहीं कि मतलब विदाई तक रुकेंगे, अभी जो है बिल्कुल मस्त करके। हालांकि ये लोग वहीं के हैं जहाँ की बारात है गणखेत की, आगे जा रहे हैं पूरन बुबू लोग, मनीष के पापा लोग, तो साथ में जाएंगे अभी दाड़िम खेत तक। अगर कोई यहाँ से नीचे गिर गया ना कैसी आवाज़ आएगी पता क्या? अगर गलती से आगे वाली गिर गई ना आवाज़ आएगी बहुत आवाज़ आएगी। अगर मैं गिर गया तो कैसी आवाज़ आएगी? हड्डी टूटेगी और क्या। और ये गिरेगी तो रोने वाली आवाज आएगी। ये हमारे गाइड बनी है, किधर ला गई हमें? कब पहाड़ भी दे रही। तो देखो भाई फिर से जो है पहुंच चुके हैं रोड में, और यहाँ से लेते हैं हेमलेट। दादी हेमलेट था यार, एक हेलमेट। और हाथ खाने में तो अभी टाइम है, वो भी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, और हम लोग चलते हैं अब, क्योंकि ना भाई बारात कब आएगी पता नहीं। भाई इधर ना बिल्कुल भी प्रॉपर रास्ता नहीं है, मतलब ऐसे कभी डाउन है तो कभी चढ़ाई है, कभी डाउन है तो कभी चढ़ाई है, प्रॉपर चढ़ाई है प्रॉपर डाउन नहीं है। तो भाई यहाँ थोड़ा दिक्कत आ रही है, गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ रही है फिर बंद करनी पड़ रही है, कभी स्टार्ट करनी पड़ रही है कभी बंद करनी पड़ रही है। देखो अभी न्यूट्रल डाल दिया मैंने, अब थोड़ी देर में ना थोड़ा सा सौ मीटर आगे चल के ना पूरी चढ़ाई आ जाएगी, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जो है डाउन आ जाएगा। ऐसी ये जो है दिक्कत है इधर थोड़ी वाली, बाकी मज़ा आया इधर इलाके में, काफ़ी ऐसे जो है लोग थे आगे, और दुल्हन भी मुझे ठीक ही लगी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोग ना पूरा वीडियो देख लेते हो, लाइक कभी नहीं करते हो। मेरी वीडियो को लगभग 400-500 लोग जो है डेली के डेली देखते हैं, लेकिन 50 से भी ज़्यादा कभी लाइक आ जाए राम शिव शिव, ये ऐसा कुछ हाल है। तो भाई लाइक से जितने भी लोग यहाँ पे तक देख रहे हो प्लीज़ सर लाइक कर दो एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूट्यूब वाले सोचते हैं ना कि बंदे की वीडियो तो लोग देख रहे हैं लेकिन पसंद किसी को नहीं आ रहे हैं। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो भाई आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दो प्लीज़ से, नीचे लाइक का बटन होगा और सब्सक्राइब तो कर रखा होगा। पोसारी आने वाला रोड, पोसारी बोले तो जहाँ पर हम शादी में गए थे और बर्फबारी हुई थी, यहाँ से ऊपर को जाते हैं और हम सीधे गए थे ऊपर साइड को, ऊपर जो घाटी है ना और लंबी घाटी है वहाँ को, और ये घाटी का एंड यहाँ पे है, और इस घाटी में इस सड़क का एंड जहाँ पे है हम वहाँ पे गए थे अभी। हाँ ये दयालताओं की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? दयालताओं की हाँ 5:27।